चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 3 हफ्ते के वक्त जो है वो समय बचा हुआ है, जिसे देखते हुए चारों धाम में तैयारियों को तेज कर दिया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ 4 दिनों में 14 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पिछले साल चारधाम यात्रा 4 महीने चली थी और तब 55 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। प्रशासन के मुताबिक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। हालांकि केदारनाथ धाम और आसपास के इलाके में अभी भी 2 से 3 फीट बर्फ है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। गौरीकुंड से केदारधाम तक जाने वाले 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भी बर्फ जमी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मई के पहले हफ्ते तक केदारनाथ में बर्फबारी की संभावना है, जबकि 15 मई के बाद केदारनाथ में मौसम खुल जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के लिए चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है। 4 लोग एक साथ चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए एक धाम की यात्रा कर पाएंगे और इसके लिए उनको 3.5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। श्रद्धालु चारों धाम के लिए भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर की सुविधाएं ले सकते हैं और इसके लिए उनको प्रति व्यक्ति 1,95,000 रुपए देने होंगे। इस रकम में आने जाने, ठहरने और खाना भी शामिल है। Z News.